मम्मी आ गई तुम। मम्मी चलो कोल्ड बियर पीते हैं। जो मन में आता है बोल देती हो, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अरे अभी तो बहुत कुछ बोलेंगे। बहुत कुछ बोलेंगे क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे पास एक खुशखबरी है। बिना शादी के खुशखबरी? क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे तुम भी ना। वैसे खुशखबरी ना मेरे शादी के बारे में ही है। अच्छा क्या है खुशखबरी, मैं भी जरा सुन लूं। मैंने तुम्हारी बहुत बड़ी समस्या सुलझा दी है। समस्या सुलझा दी है? मेरी सबसे बड़ी समस्या तो तुम ही हो। मैंने अपने लिए एक लड़का ढूंढ लिया है। हद है पागलपन की, क्या मतलब लड़का ढूंढ लिया है? गनीमत मानो लड़का ढूंढा है, लड़की नहीं। और बहुत जल्द हम लोग शादी करने जा रहे हैं। अजीब पागल लड़की हो जीतू, अभी तुम्हारा ग्रेजुएशन हुआ नहीं है और चलिए तुम शादी करने। हाँ तो इसमें गलत क्या है? देख नहीं रही हो आजकल शादी के लिए लड़के ढूंढने में लोगों की नानी मर जा रही है। प्रिया दीदी की शादी के लिए मामा मामी पिछले 3 सालों से परेशान है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मैंने तुम लोगों का टेंशन दूर कर दिया। अब तुम चैन से मर सकोगी। चैन से मर सकोगी मतलब? ऐसा किसी को बोला जाता है भला? अरे एक्साइटमेंट में कुछ ना कुछ बोला जा रहा है, मेरा मतलब है चैन से जी सकोगी। बिना अपने पैरों पे खड़ा हुए शादी, क्या पागलपन है? अच्छा मैं रोज सुबह 3 किलोमीटर वॉक पे जाती हूँ कि नहीं? जाती हो तो? मतलब मैं अपने पैरों पे चल सकती हूँ। हे भगवान, इस लड़की का सच में दिमाग खराब हो गया है। देखो बिना आत्मनिर्भर हुए शादी के फेवर में ना मैं हूँ ना तुम्हारे पापा। वैसे लड़के का नाम क्या है? बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान, ये कैसा नाम है भला? क्यों, सलमान खान की फिल्म नहीं देखी थी तुमने? इस फिल्म को देखने के बाद उसने अपना नाम बजरंगी भाईजान रख लिया। वह लड़का करता क्या है? पता नहीं लेकिन है बहुत रईस घर का। अच्छा तुम्हें कैसे पता हुआ रईस घर का है? अरे हर महीने वो एक नया मोबाइल लेके घूमता है, वही देख के तो मैं उस पे पैदा हो गई। पूरा परलेट हो क्या? नया मोबाइल इस बात को थोड़ी साबित करता है कि वह रईस घर का है। हो सकता है वह मोबाइल चोरू? हाँ हो तो सकता है। अगर वह मोबाइल चोर हुआ तो? मैं भी उसके साथ मोबाइल चोरी का बिजनेस शुरू कर दूंगी। अभी वो अकेले 2-4 चुराता होगा, दोनों मिलके चुराएंगे तो रोज 5-10 तो चुरा ही लेंगे। देखो मम्मी पढ़ लिख के कुछ नहीं होता, आजकल इन्हीं सब काम धंधे में पैसा है। आने दे तेरे पापा को, उन्हीं को बताती हूँ। सबसे पहले ऐसा कर, उस लड़के को फोन लगा और मुझे बात करा। ठीक है बात करोगी तो दिल खुश हो जाएगा, एकदम हीरो लगता है, एकदम हीरो। क्या मस्त बात करता है, मैं अभी फोन लगाती हूँ। इट ऑफ, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। क्या हुआ, कहाँ मर गया तुम्हारा बजरंगी भाईजान? हाय 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 मम्मी, कैसे बोल रही हो मेरे जानों को? ऐसे बोलता है कोई किसी को? कितनी गलत बात है। जानू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो तुम? थोड़ी देर पहले तो तुम मुझे मार रही थी। हेलो कैसी हो? What do you mean hello? मैं तुम्हें कितनी देर से फोन लगा रही थी जानू, कहाँ तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे मेरा फोन ना बड़ा नोटी हो गया है।
बिल्कुल तुम्हारी तरह नहीं। देख रहे हो मम्मी मेरा जानू कितनी मजेदार बातें करता है। देखो जानू मेरी मम्मी ना तुमसे बात करना चाह रही है। You mean my mother-in-law? Wow, great. लेकिन ना यार मैं अभी किसी से बात नहीं कर सकता हूँ, यहाँ तक कि तुमसे भी बात नहीं कर सकता। So sad यार। क्यों? बात क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि मैं अभी मैच खेल रहा हूँ। ओए डीके, बॉल फेंकना उधर से। मैच को होने दो ओवर। Don't disturb me anymore. Please, sweetheart. क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों लटक गया? मां जानू कहां अटक गया? अरे वो बोलता अभी वो बात नहीं कर सकता, अभी वो मैच खेल रहा है। मैच? ये कैसा मैच? पता नहीं जब देखो मैच खेलते रहता है। जरूर वह सट्टेबाजी करता होगा। ऐसा लगता है मुझे भी सीखना पड़ेगा। केश जो ना कर रहा है। ये सर सर ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मैं जानती थी आप कुछ ऐसे ही डायलॉग मारेंगे। ये शादी का भूत तुम पे कब से सवार हो गया भाई? अब भूत है तो कभी भी सवार हो जाता है। अच्छा खींच के चार हाथ दूंगा ना सारा भूत उतर जाएगा। अरे ये भूत उतरने वाला नहीं है, सही ढंग से हमारी शादी करा दीजिए वरना मैं भाग के शादी कर लूंगी। रुक तेरा भी भूत उतारता हूँ मैं। आप कितना भी जुल्म कर ले जाओ ना ये अनार कहीं झुकेगी नहीं। मम्मी मम्मी कैसा लगा मेरा डायलॉग? बकवास, अनारकली का जमाना गया, पुष्पा झुकेगा नहीं का जमाना चल रहा है। लगता है तुम दोनों का दिमाग सटक गया। सटक नहीं गया है, दिमाग बिल्कुल भटक गया है। देखिए इससे मारने पीटने से कुछ नहीं होने वाला है, पहले उस लड़के से मिल लेते हैं, हो सकता है उसी को समझाने से बात बन जाए। ठीक है ठीक है, उस चवन्नी टाइप लड़के को कल लेते आना जरा। पापा इट्स नॉट फेयर, हाउ डेयर यू कॉल हिम चवन्नी टाइप। आप लोग समझते हैं कि उसको ब्रेन वॉश कर दीजिएगा तो आप लोग बिल्कुल गलत है। पुष्पा झुकेगा नहीं, जान लीजिए वो मेरे प्यार में बिल्कुल पागल है। वो तो मुझसे अभी तुरंत शादी करने को तैयार है। हेलो हेलो, मैं जूही विश्वास बोल रही हूँ। मैं एक्सेलेंट इंस्टीट्यूट से बोल रही हूँ। आप हर्षा के फादर बोल रहे हैं क्या? इस मंथ हर्षा का इंस्टॉलमेंट पे करना था, ड्यू डेट पार हो चुका है। इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुआ है इसलिए मैं आपको रिमाइंड करने के लिए फोन कर रही हूँ। बहुत ताज्जुब है, कितना पे करना है? जी 25,000। ठीक है मैम, मैं अभी पता करता हूँ, एक दो दिन में आकर मैं पेमेंट क्लियर कर लूंगा। हर्षा मैंने तुम्हें 5 अप्रैल को ही 25,000 रुपये दिया था इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए, दिया था या नहीं? दिया था। आज 15 तारीख है, तुमने अब तक अपना इंस्टॉलमेंट पे क्यों नहीं किया? वो क्या है कि बोलना बंद करो। यहाँ बताओ कि पैसा गया कहाँ? गया कहीं नहीं है, मैंने वो पैसे बजरंगी भाईजान को दे दिया। तुम्हारा दिमाग खराब है, जब तुम्हें वह पैसा इंस्टॉलमेंट पे करने के दिया गया था तब तुमने वह पैसा उस अनजान लड़के को क्यों दे दिया? अनजान लड़का? लुक मॉम, ही इज माई लाइफ एंड आई एम गोइंग टू बी हिज वाइफ। उसे पैसे की बहुत जरूरत थी इसलिए मैंने वो पैसा उसे दे दिया।
उसने प्रॉमिस किया था कि वो 10 तारीख तक लौटा देगा। लेकिन हर्षा आज तो 15 तारीख है। देखिए ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, अभी उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो वो कैसे देगा। उसने कहा है कि वो 1-2 दिन में लौटा देगा, मतलब लौटा देगा। वह ऐसा वैसा लड़का नहीं है, वो बहुत ही अच्छा लड़का है पापा। वो अच्छा है या बुरा मैं नहीं जानती, तुम इसी वक्त मेरे सामने उसे फोन करो और कन्फर्म करो वो पैसे कब लौटा रहा है। ठीक है, जब आप लोगों को मुझ पे अपनी डॉटर पे भरोसा नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं अभी उससे बात करती हूँ, आप लोग खुद सुन लीजिएगा। इतनी अच्छी बात करता है ना मेरा सलीम, आप लोग एकदम गदगद हो जाइएगा। अरे क्यों दिमाग खराब कर रही हो, मैंने कहा था ना मैं खुद फोन करूंगा। देखो जानू, अभी मेरे इंस्टीट्यूट से फोन आया था, मेरे लोग मेरा इंस्टॉलमेंट क्लियर करने के लिए बोल रहे हैं, मुझे मेरा इंस्टॉलमेंट पे करना जरूरी है। प्लीज क्लियरली बोलो तुम मेरे पैसे कब लौटा रहे हो। पापा ने फोन रिसीव किया था और वे बहुत गुस्से में हैं। क्लियरली बोलो तो सुन लो जाने मन। मैं तुम्हारा पैसा लौटाने वाला नहीं हूँ। क्या क्या कहा तुमने, तुम मेरे पैसे नहीं लौटाओगे? ये तो चीटिंग है, ये बहुत गलत बात है। गलत बात? क्या गलत बात है, अरे यही तो मेरा बिजनेस है। बिजनेस? कैसा बिजनेस? तुम जैसी बेवकूफ पापा की परियों को अपने जाल में फंसाना और पैसा बनाना, यही तो मेरा काम है। मैं तुम्हारी 100 से ज्यादा घटिया इंसान हूँ बंदरमुखी। बंदरमुखी? How dare you call me बंदरमुखी? मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी, मैं तुम्हारा डबल मर्डर कर दूंगी, यू डर्टी पिग। देख बंदरमुखी, अगर सुखी रहना है तो दे दे मुझे 50,000। कितना? बस 50,000। और छुड़ा ले मुझसे अपनी जान, वरना मैं वो करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती है। You bloody idiot! क्या क्या कर क्या लोगे तुम मेरा? तुम्हारा फोटो और वीडियो वायरल कर दूंगा, बता दे रहा हूँ। याद रखो स्वीटहार्ट, बस 3 दिन है तुम्हारे हाथ में और बहुत दम है मेरी बात में। अगर 3 दिन में तुमने 50,000 रुपये नहीं दिए तो पूरे इंटरनेट पर तुम अपना जलवा बिखेरते नजर आएगी। पापा अब क्या होगा? क्यों, तुम तो बोल रही थी तुम्हारा बजरंगी भाईजान बहुत रहीस है। देख ली तुम अपनी बजरंगी भाईजान का असलियत? शादी का भूत उतरा अभी भी चढ़ा हुआ है। अरे अरे चुप रहो, ताने मारना बंद करो, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। सबसे पहले हमें पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत है। आजकल टीनेज गर्ल्स बदमाश लड़कों के ट्रैप में कुछ ज्यादा फंस रही हैं। टीनेज गर्ल्स से अनुरोध है कि आप इस तरह की मूर्खता में बिल्कुल ना फंसे। सबसे जरूरी है जिंदगी में आत्मनिर्भर होना, उसके बाद शादी के बारे में सोचना। और पेरेंट्स जब भी अपने बच्चों को पैसा दें उसका हिसाब जरूर लें, वरना आपका भी वही हाल होगा जो मेरा इस फिल्म में हुआ है। क्यों वर्षा? तो जागरूक बनिए और दूसरों को भी जागरूक करिए।